अगर आप इंटर में एडमिशन करने के लिए ऑनलाइन नहीं किए हैं तो आपको अब ऑनलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि साइट अब पूरी तरह से वर्क कर रहा है। एडमिशन का डेट 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक था, लेकिन आज 3 तारीख हो गया, आज से साइट खुला है पूरी तरह से और आप अपना ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कैसे किया जाता है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन करना होगा, उसके बाद यहाँ आपको टाइप करना होगा OFSS और एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद ये OFSS bihar.in ये ऑफिशियल साइट है, इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ अभी ये ऑप्शन आज की डेट से आ रहा है। तो यहाँ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल्स, इसके ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक नया टैब में रिडायरेक्ट कर देगा। ये गाइडलाइंस दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे। इसमें दिया गया है कि कितना शुल्क लगेगा, कैसे क्या करना होगा, पूरा यहाँ पर ये दिया गया है गाइड, तो इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। और यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें, इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपका यहाँ पूरा तरह से फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ लाल रंग से लिखी गई सभी सूचनाएँ भरनी अनिवार्य है, अन्यथा आपका फॉर्म ऑनलाइन जमा नहीं हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पासिंग ईयर चूज़ कर लेंगे कि आप कौन सा साल अपना 10th क्लास पास किए हैं। जैसे कि हम 2023 में ही किए हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ एग्ज़ाम टाइप में यहाँ हम एनुअली रखेंगे, और जो भी बोर्ड से किए हैं वो यहाँ बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। हम बिहार बोर्ड से किए थे तो यहाँ बिहार सेलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और यहाँ रोल कोड और रोल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद देखिए आप बाहर पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पूरा नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम आ जाएगा। आपको यहाँ एक फ़ोटो अपलोड करना है, तो फोटो अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी फोल्डर में आपका फ़ोटो रखा हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए जितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसमें से जितना आपका मार्क्स आया है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका हाई स्कूल आ जाएगा और स्कूल का यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद आपका यहाँ हाई स्कूल का डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आप कौन सा साल अपना हाई स्कूल ज्वाइन किए थे वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम 2021 में किए हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कौन सा साल स्कूल छोड़े हैं वो यहाँ पे आ जाएगा 2023। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से जेंडर सेलेक्ट आपका रहेगा, ऑटोमेटिक यहाँ मेल आ जाएगा। रोल नंबर रोल कोड फिल करने के बाद ऑटोमेटिक ये आपका 10th का कुछ डिटेल्स को ले लेता है। उसके बाद आपका यहाँ नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से आपको रिलीजन चूज़ करना होगा आप कौन सा जाति से हैं। चलिए हम यहाँ से मुस्लिम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास ब्लड ग्रुप है तो यहाँ से सेलेक्ट करके अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। चलिए हमको याद नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, वो ब्लॉक को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पूरा एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना पिन कोड फिल करेंगे, एरिया पिन कोड, यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ एक ईमेल आईडी फिल कर देंगे, यहाँ अपना आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, इसको आपको टिक नहीं करना है, और नीचे आएंगे यहाँ से अपना जाति सेलेक्ट कर लेंगे आप कौन सा जाति से हैं। चलिए हम जनरल सेलेक्ट रहने देंगे इसमें। और नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ आपको 10th कॉलेज सेलेक्ट करना होगा कि कौन कौन सा कॉलेज में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। कम से कम आपको 10 कॉलेज सेलेक्ट करना है और अधिकतम आपको 20 कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। चलिए सबसे पहले आप जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ अपना कॉलेज का नाम को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ प्लस टू हाई स्कूल इसको लेना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और इस हाई स्कूल में आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम इसमें आर्ट्स लेंगे तो आर्ट्स सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो और भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, कम से कम आपको 10 सेलेक्ट कर लेना है। उस बाद चलिए हम सेकेंड ऑप्शन यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी कॉलेज में आप लेना चाहते हैं उस कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ कॉलेज का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस कॉलेज में आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और थर्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आपका दोनों कॉलेज आ जाएगा। तो फर्स्ट में आपका ये आ गया, सेकंड में ये आ गया। तो इसी तरह आपको 10 कॉलेज कम से कम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि देखिए हमने यहाँ 10 का 10 कॉलेज पूरा सेलेक्ट कर लिया है। इस तरह से आप अपना कॉलेज को चयन कर सकते हैं, आप 20 कॉलेज कम से कम कर सकते हैं। चलिए हम 10 ही रखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ आपको पूछ रहा है क्या आप और कॉलेज को ऐड करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना यहाँ नो पे टिक कर देंगे, और ये दोनों टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। और आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा करने हेतु यहाँ क्लिक करें, इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप खुल के आ जाएगा, इसको यहाँ ओके कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन यहाँ सबमिट होने लगेगा, आप मुझे यहाँ पर वेट करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, इसका प्रीव्यू आप यहाँ देख सकते हैं, आपका पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ रहता है। इसमें अगर आपको कोई गलती लगता है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के लिए यहाँ बैक टू मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे,
अगर लगता है आपको कि सब कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, फिर से ओके कर देंगे। सेविंग योर एप्लीकेशन प्लीज़ वेट, चलिए मेरा यहाँ एप्लीकेशन को सेव कर रहा है और मुझे यहाँ वेट करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आप दिए उसी में एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी को यहाँ फिल कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वो ओटीपी का वैलिडिटी 5 मिनट तक रहेगा, इससे पहले आपको यहाँ फिल करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके आवेदन से संबंधित सभी जानकारियाँ दर्ज कर ली गई है। आवेदन जमा करने हेतु आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, अन्यथा आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आपका नाम आ जाएगा, आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा। एप्लीकेशन अमाउंट यहाँ आप देख सकते हैं, आपको 350 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए पहले यहाँ पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेंगे, चलिए हम एक्सिस बैंक सेलेक्ट करते हैं और प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और अदर बैंक्स रेजर पे इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप किसी भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, चलिए हम यहाँ SBI बैंक सेलेक्ट करेंगे और पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ हम इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पासवर्ड फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका अकाउंट में टिक लगा हुआ आएगा, आप नीचे आएंगे और यहाँ कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ फिल करेंगे और कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, जो आपको ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट करेगा। आपको यहाँ ब्राउजर को रिफ्रेश नहीं करना है। देखिए यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन यहाँ डेट और टाइम देख सकते हैं आप और पेमेंट मोड में यहाँ इंटरनेट बैंकिंग देख सकते हैं। फिर से आपको यहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है, आपको ब्राउजर को रिफ्रेश बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, योर पेमेंट हैज बीन रिसीव सक्सेसफुली, प्लीज टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन कॉपी फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम अपना एप्लीकेशन कॉपी को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका यहाँ हार्ड कॉपी इस तरह से प्रिंट होकर के आ जाएगा, PDF में ये ओपन होगा। चलिए इसको पहले यहाँ से हम प्रिंट कर लेते हैं। अगर आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है तो इसको प्रिंट कर लेंगे, या अगर आप चाहे तो इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। चलिए इसको हम PDF में सेव करेंगे और यहाँ से सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। चलिए जो भी फाइल में सेव करना है इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और सेव, तो मेरा यहाँ PDF सेव हो जाएगा। सो इसी तरह से आप अपना 11th में एडमिशन कर सकते हैं। साइट पहले वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन आज देख सकते हैं आज की डेट में यहाँ साइट प्रॉपर वर्क कर रहा है, धीरे धीरे ही से लेकिन वर्क कर रहा है। सो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।